जो कि आपको दिखाऊंगा मॉडिफिकेशन, ये कर दी गई फुल लोड ऊपर और ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई। इससे ये इसकी फॉग लैंप है जो कि मिलती है आपको, देख सकते हैं। ये होगी वाइट, ये होगी हाई लो हाई पॉइंट, ये हो गया लो, आपको मिलता है सिमटेक ओरिजिनल। फ्रेंड वेलकम बैक, में हूं आपका अपना राजभर। आज आपके सामने है ब्यूटीफुल मशीन, ये है अपनी GS310 जो कि आपको दिखाऊंगा मॉडिफिकेशन, ये कर दी गई फुल लोड। जैसे कि आपको पता हमारी वीडियो ज़्यादातर फुल लोड होती हैं और ये भी GS कर दी गई फुल लोड। इसके अंदर हमने लगाया है वाइजर जो कि आपको देखने मिलेगा स्मोक कलर का, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर देगा बहुत ही हैवी फिटमेंट के साथ, ज़बरदस्त क्वालिटी इसके अंदर फिटमेंट आपकी की गई है वाइजर के साथ में। नीचे दिखाऊंगा तो नीचे आपको देखने मिलेगा, इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका शॉकर प्रोटेक्शन, ये इसका फॉक्स रेडर, इससे आपका शॉकर, आपका मडगार्ड और आपकी डिस्प्ले इधर से सब कुछ होता है पूरी तरीके से। फुली सेफ्टी वाला फीचर से इसके अंदर लगा देगा, देख सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छी लुकिंग हो जाती है इसे लगने के बाद। देख सकते हैं आप गोल्डन आपके शॉकर, गोल्डन ही आपका ये है तो इससे लुक भी इनहेंस होगी, साथ में सेफ्टी भी पूरी तरीके से हो जाती है। इधर आपको देखने मिलेगी रेडिएटर का जो देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील की, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है जिससे रेडिएटर तो पूरी तरीके से सेफ। नीचे आपको देखने मिलेगा इसमें GS310 ब्रांडिंग के साथ आपको मिलता है समगार्ड जो कि इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है, बहुत ही हैवी फिटमेंट है इसकी, और इससे आपका ऑयल कूल्ड जो आपका ऑयल फिल्टर है वो होता है पूरी तरीके से सेफ। फुली सेफ्टी वाली चीज़ जो इसके अंदर लगा दी गई है। अब दिखाता हूँ आपको इसके अंदर मास्टर सिलेंडर कैप जो कि आपको मिलते हैं BMW की ब्रांडिंग के साथ ऊपर, और ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई, इससे लुक भी नहीं, साथ में सेफ भी हो जाती है पूरी तरीके से। ये होता है स्टेनलेस स्टील जो कि लगा देगा। इसमें मिलेगा GPS माउंट, ये देख सकते हैं ये BMW का GPS माउंट जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसमें आप चाहो तो मोबाइल होल्डर लगा सकते हो या GoPro GPS माउंट, कुछ भी इसके अंदर इजीली इंस्टॉल हो जाता है। और इधर आपको देखने मिलेगा BMW की ब्रांडिंग वाले आपको मिलते हैं इसके हैंडल ब्रार राइजर जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लुकिंग के साथ है, और साथ में हैंडल इसका राइज हो जाता है आपके अकॉर्डिंगली जैसे आप चाहो उस तरीके से। साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर फॉग लैंप जो कि मिलती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं ये इसकी फॉग लैंप है जो कि मिलती है आपको, देख सकते हैं। ये होगी वाइट, ये होगी हाई लो हाई पॉइंट, ये हो गया लो, और ये इसका हो गया ब्लिंकिंग, और अगेन आपको मिलता है इसके अंदर, अच्छा ये इसके फीचर्स हैं, और ये वाइट है। हम इसका नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका येलो, ये होता है फुल्ली कवर्ड, ये देखिए अब ये हो गया आपकी येलो। और इसका ना स्विच भी काफ़ी है यूनिक है, देख सकते हैं इधर आइए, ये होती है आपकी फुल्ली हार्नेस वाली HJ और देखिए स्विच कुछ इस तरीके से है इसका, जो कि आपको न्यू डिज़ाइन के अंदर मिलेगा इसके अंदर। और ये बहुत ही हैवी, जो कि आपने ना पहले जब हम वीडियो बनाते थे तो उनके अंदर आपने देखा होगा उस टाइम पर हमने ये लाइट लगाते थे पहले, बट अनफॉर्चुनेटली इसका एक साल से माल नहीं आ रहा था। फाइनली ये जब नया माल आया तो न्यू अपडेट आपको दे दी गई है कि ये माल दोबारा से हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। जिसको भी अगर बाइक करनी हो, लगवानी हो अपनी किसी भी हैवी बाइक के अंदर या किसी हल्की बाइक, तो ये हमारे पास अवेलेबल है विद हार्नेस। ये होती है HJG ओरिजिनल विद हार्नेस, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की आपको मिलती है ये फॉग लैंप। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ क्रैश गार्ड जो कि आपको देखने मिलता है ग्रे कलर का, ये देखिए गाड़ी का जो कलर है वो ग्रे है और रेड है, तो ग्रे रेड की वजह से इसका ग्रे लगा देगा इसके अंदर। ये भी आपका हो गया पूरा प्रॉपर फिटमेंट, देख सकते हैं जेन्युइन फिटिंग है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का क्रैश गार्ड जो कि आपको देखने मिलता है BMW GS310 के अंदर, सेम इस तरह मिलता है, सेम मिलता है आपको इस तरफ। और इससे आपका पूरा फेयरिंग, पूरा टैंक और आपके खुद के लैक्स ये होते हैं पूरी तरीके से, फुली सेफ्टी वाली चीज़ है जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको इसके अंदर बैक साइड में, आइए बैक साइड में आपको मिलता है टायर अगर जो कि देखने मिलता है GS की ब्रांडिंग वाला, देख सकते हैं ये लगा दी गई है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है। इसे लगाने के बाद समझ लो पूरी डस्ट जो होती है वो कवर हो जाती है, साथ में पीछे से लुक भी काफ़ी इनहेंस हो जाती है। और साइड में देखने मिलेंगे इसके अंदर, ये देख सकते हैं ये है इसके सैडल स्टे, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ग्रे कलर के, आप चाहो तो इसमें ब्लैक भी ले सकते हो, ज़्यादातर ग्रे ग्रे है तो ग्रे के अंदर ग्रे ही लगाया गया इसके अंदर। और अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको इंडिकेटर हैजार्ड जो कि ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया, ये देखिए चाबी करता हूँ ऑन और अब मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये हो गया इसके हैजार्ड ऑन, 1 2 3 जितने मर्जी पैटर्न इसके अंदर एक्टिवेट कर सकते हो आप जब चाहें, जब जैसे चाहो जैसे, ये इसके हो जाते हैं एक्टिवेट जो कि आपको मिलता है सिमटेक ओरिजिनल, ये भी इसके अंदर लगा दिया गया है। और यहाँ पर अगर इस बाइक की मॉडिफिकेशन कंप्लीट, अब बुलाता हूँ भैया को, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा। वैसे इन भाई की बाइक नहीं है, ये एक्चुअली बाइक है इनके फ्रेंड की, और लेकिन भैया को छोड़ कर जा चुके हैं, वो कह रहे हैं बेटा तू ही गाड़ी लेकर आ, मैं जा रहा हूँ, तो भैया वो तो चले गए उनका तरफ। आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बैठे हो? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, बहुत तसल्ली से और बहुत आराम से काम किया गया है, एक एक चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है। मैंने जैसे
फॉग लैम्प लगवाए हैं, हैजार्ड्स लगवाए हैं, तो बिल्कुल भी बाइक की कोई भी वायरिंग कट नहीं करी गई, प्लग एंड प्ले सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छी तरह करा गया है। और वाइज़र है, जैसे हर चीज़ मतलब बहुत प्रीमियम क्वालिटी की। लोग पता क्या करते हैं, वाइज़र लगा तो देते हैं बट ना देखो ये हिलता रहता है, बट हम ऐसा कोई काम नहीं करते, हम कहते हैं भैया जब भी आपका होगा प्रॉपर होगा, और वायरिंग का स्पेशली हमारा ध्यान रखा जाता है कि कोई वायर कट ना हो, क्योंकि आप मान लो इतनी महंगी महंगी बाइकें लेकर आते हो और उसके अंदर किसी ने वायर कट कर दी, आपकी बाइक की बैंड बच गई, तो आप वहाँ से काम कभी ज़िंदगी में नहीं कराओगे, क्यों जी गलत कह रहा हूँ? सही। और यहाँ पर फुली सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको और फुली हॉस्पिटलिटी मिलती है यहाँ पर, जो भी आप काम कराओगे जेन्युइन मिलता है। और बंदे भी हम कैसे भाई साहब? बहुत बढ़िया बंदे, बहुत फ्रेंडली, और इन्होंने अच्छा खासा खाना भी खिलाया मुझे, तो मुझे बहुत इन्जॉयमेंट हुआ इनकी दुकान पे आके। ये मैं आज दूसरी बार आ रहा हूँ, मैंने पहले भी एक बाइक कराई हुई है इनसे, तो बहुत बढ़िया, मतलब हर चीज़, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। चलो थैंक यू सो मच आने के लिए। और अगर हमारा कोई और व्यूवर्स आना चाहे ऑल इंडिया से, तो क्या रिकमेंड करेंगे आप? मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको कोई भी बाइक का काम करवाना हो तो यहाँ पे आए। राजू भाई इनका है पेज वगैरह इंस्टाग्राम SKD के नाम से, राजू भाई SKD के नाम से मेरा मिलता है आपको, यूट्यूब चैनल सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पे आके अपना काम करवाएं, तसल्ली से बैठे और इन्जॉय करें। चलो जी, आपको भी कर रहा है इंजॉय, तो आपको आना क्या दिल्ली की करोल बगनाई वाले के अंदर, जो कि मिलती है मेरी शॉप, मैंने आपको बता दिया, बैक साइड में 36 नंबर के लिए है, फ्रंट मिलता है आर्य समाज रोड। और आप हनुमान जी की मूर्ति जरूर देख लें, जो कि आपको देखने मिलेगी मेरे बोर्ड पर, और पहले आप हनुमान जी की मूर्ति बड़ी मूर्ति जो कि मिलती है आपको सीधा का सीधा, क्या हुआ क्यों राजा था चल आ गया, तो आपको मिलती है ये शॉप हनुमान जी की मूर्ति जरूर देख लें, जो मिलती है आपको गोल चक्कर पर, जब करोलबाग आते हैं ना तो एक ही चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, वो है हनुमान जी की मूर्ति, जो कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। लोकेशन इतना इजी है ना मेरा कि आप लोग जब मर्जी आओगे आँख बंद करके भी आ सकते हो, इतना ईजी लोकेशन है। हनुमान जी की मूर्ति होगी आपकी मेन रोड पर, मेन चौक पर, उससे अंदर मार्केट एंटर मारेंगे तो एंटर मारते एक और हनुमान जी की मूर्ति देखना, वो आपको मिलेगी। जैसे आप अंदर आएंगे तो फर्स्ट चौक पर ही, पहले चौक पर ही मिलेगी आपको राजू भाई की शॉप, जहाँ पर बोर्ड लगा होगा और बोर्ड पर हनुमान जी की फ़ोटो छप रही होगी, वो समझ लो वही मेरी शॉप है। जब भी आप आएंगे तो वह मैं आपको मिलूँगा, क्योंकि राजू भाई की शॉप पे हनुमान जी की मूर्ति लगी है। लोकेशन ईजी है, बहुत बहुत ईजी, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोकेशन को कुछ नहीं डालना। और अगर जो आपको लोकेशन डालनी भी हो ना, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, नीचे डिस्प्ले पूरा लोकेशन एड्रेस सब डाला हुआ है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। और एक बार और भैया से पूछेंगे, भैया कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी भैया,